रोटरी क्लब सिल्वा स्वाधीन भवन फाउंडेशन और आदिवासी समाज द्वारा आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट का आज हुआ समापन। रोटरी क्लब सिलवासा स्वाधीन वुमन फाउंडेशन और आदिवासी समाज उत्कर्ष संघ फुटबॉल टूर्नामेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित 4 दिन की फुटबॉल टूर्नामेंट का आज शांतिपूर्वक समापन हुआ। टूर्नामेंट का आयोजन ट्राइबल विस्तार में किया गया। इस टूर्नामेंट में 72 टीम ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच देखने 2000 से अधिक लोग आए। फाइनल मैच के दिन भोजन की व्यवस्था भी की गई। 1500 से अधिक लोगों ने खाना खाया। फाइनल मैच विश्व आदिवासी दिन के दिन रखा गया ताकि आदिवासी प्लेयर को उत्साह मिले। जीतने वाली टीम येलो टाइगर को 11,000, सेकेंड टीम को 5,000 एवं थर्ड एंड फोर्थ टीम को 2100 रुपये का इनाम रोटरी एवं स्वाधीन वुमन फाउंडेशन की ओर से दिया गया। आयोजक अनिल भाई पटेल, स्वाधीन वुमन फाउंडेशन से अंकिता पटेल, रोटरी के प्रेसिडेंट हितेंद्र सोलंकी ने आयोजन किया। फंक्शन में स्वाधीन वुमन फाउंडेशन प्रेसिडेंट अंकिता पटेल, रोटरी प्रेसिडेंट हितेंद्र सोलंकी, आदिवासी समाज उत्कर्ष संघ प्रेसिडेंट अनिल भाई विवेक धावकर जी, रोटरी क्लब से पूर्व प्रेसिडेंट यशवंत सिंह परमार, धर्मेश सिंह चौहान, राजू भाई पटेल, नरेंद्र देसाई, जतिन भाई पटेल, रोटरी सेक्रेटरी केतन सोलंकी, स्पोर्ट्स के जानकार शर्मा जी, राजेश बीज, यस्मिन शेख, नीतीश भाई, सुखर भाई और मोटी संख्या में स्वाधीन वुमन फाउंडेशन की कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रोटरी क्लब ऑफ सिलवासा नो ध्येय छे के दादरा नगर हवेलीना जेटला पण स्थानिक आदिवासी युवानो छे एमने एमनी क्षमता अनुसार एमने रमतगमत थी लईने एमना पोताना व्यक्तित्व विकास में जे पण सवलतो जोईए एना माटे अवेरनेस करवा, सरकारनी योजनाओ साथे जोड़वा अने सरकारमां ज्यां पण जरूर होय त्यां रजूआतो करीने एमने स्पोर्ट्स माटेना मैदानो, एकेडमी अने एमने लगती सवलतो एमने अपावी अने खास करीने कोचिंग के आज आदिवासी बाळकोने जो कोचिंग मळशे तो आवनारा समय में देश नो फूटबॉल प्लेयर दादरा नगर हवेली नो एक आदिवासी युवान होई सके अने चौक्कस एटली क्षमता दरेक क्षेत्र पड़ेली छे परंतु एमने चौक्कस एक ट्रेनिंग अने कोचनी जरूर छे, एक एमने सात्वनानी जरूर छे अने सहयोगनी जरूर छे। एना माटे रोटरी क्लब ऑफ सिलवासा एक फूटबॉल टीम ने सिलेक्ट करे छे अने एनो टोटल खर्चो रोटरी क्लब ऑफ सिलवासा उचकशे अने चोक्कस समय कोचिंग आपीने ए टीम ने देश लेवल पर प्रदर्शित करवा माटे मैं प्रयत्न करीशु। सबसे पहले तो मैं विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेश के सभी भाइयों को, सभी आदिवासी भाइयों बहनों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज के दिन हमने 4 दिन का फुटबॉल टूर्नामेंट खानवेल में ऑर्गेनाइज किया था और इसके जो मेन ऑर्गेनाइजर्स थे, सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी, जो हमारे आदिवासी समाज उत्कर्ष संघ के जो हमारे अध्यक्ष है अनिल भाई जी और जो रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट और उनकी टीम है हितेंद्र सोलंकी जी और DNH फुटबॉल एसोसिएशन का, कि हमने यहाँ पे इस तरह का कार्यक्रम आयोजन करने में हम सक्सेसफुल हो पाए हैं। और यहाँ पे आज 4 दिन से ये खेल चल रहा है और मुझे देख के बहुत आश्चर्य लग रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है कि यहाँ इतने आदिवासी भाइयों ने इसमें भाग लिया है, जो दादरा नगर हवेली के अलग अलग जगहों से, अलग अलग पंचायत से बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया है। देखिए, हमारा जो देश है वो उसमें 50% से ज्यादा युवा है और अगर हम इन युवाओं की असली ताकत को पहचानना चाहते हैं तो उन्हें हमें अलग अलग माध्यम में उन्हें ट्रेन करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं कि हम हमारे देश को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर पाए तो ये बहुत जरूरी है कि आज से ही और बचपन से ही हम इनके टैलेंट को पहचान पाए और उनको सही जो फील्ड है उसमें हम उनको ट्रेन कर पाए। हमारी जो संस्था है स्वाधीन वुमन फाउंडेशन, उससे हमने एक ये मजबूत कोशिश की है कि हम जो महिलाएं हैं, जो युवा हैं, उनको हम अलग अलग क्षेत्र में उनको ट्रेनिंग दे पाए। और इस खेल को देखते हुए मुझे भी बहुत प्रोत्साहन मिला है कि आने वाले दिनों में हम भी इस तरह की कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करेंगे, हम कोई ट्रेनर्स ऑर्गेनाइज करेंगे कि जिसके माध्यम से ऐसे जो खिलाड़ी हैं उनको सही टाइम पे सही ट्रेनिंग मिल पाए।